यस महल की रानी मेरे पास भिक्षा पावा तो मैं भिक्षा लूंगा वरना यहाँ से तेरा जाऊंगा। अब एक नौकरानी ने सारी बात माई बाशर को बताई है कि जो जोगी दरवाजे पर आए हैं उनका तो ये कहना भी या तो राजा या रानी भिक्षा पावा, मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेता। तो भगजनो अब कौन हुआ माई बाशर? आप लेगा भिक्षा जोगी के पास जाती है। अब जिस बात को बनना है, समय को बनना बाबा जी, वो तो मस्तक देख लेते हैं, पर ना कोई भक्त के पास टिक्के थोड़ी लाने के लिए। श्री बाबा की लहर आती है, उसकी पौन आती है, और भक्त उसकी लहर के अनुसार जो सेवादार हैं, जो दुखिया दरबार कह रहे हैं, उनकी मन की बात पढ़ लेते हैं, चेहरा देखते हैं। तो भक्तजनों कहानी बना जो कि कह लगे बेटी औलाद की दुखिया कि हाँ गुरु जी मेरे पास कोई औलाद नहीं है। हाँ, फिर बेटी घबरावा ना, यह भिक्षा मेरे पास पै दे और कल सवेरे अपने हाथों से बनाए का भोजन और बागा के बीच माजिए, वो हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 चेलों की जमात लेकर आपके बागा के बीच माए हैं। बेटी जिस हमारे गुरु जी ने आपका सुखे बाग भी रख कर दिया, जा अपने घर का भोजन अपने हाथों का भोजन बाबा नु खिलाइए, जा तेरे को वहां से खाली नहीं मोड़ने का। अब ये सुन जाता है, रात वतीत हो जाती है, होया सवेर का टाइम, अब माई बाछल ने अपने हाथों से भोजन बना लिया। अब दिन चढ़े, किस तरह माई बाछल एक नौ लखे बागा का ध्यान लगाओ भाई पर अंबरे बरसा राणे अब रान जीवा मेरे बापे अब रान जीवा जी बागड़ के राणे दुनिया मा होए गे जय जय हर भला जी जो तनु जावा राणे फल पावा मेरे बाप सोयो फल पावा जी मेरे जोड़ा वाले मन की तै पूरा सबकी मुराद भला जी लेता वा भिक्षा माता चाले पड़ी माता जी ले पड़ी की हाले का भिक्षा बाछल चाल पड़ी की माता चली चली गैरी मेरे प्यारे भगतो बागा का लगाया बाछल ने ध्यान बना जी नौ लखे बादाम बाछल पहुंचे गई की दुखिया पहुंचे गई की जी मेरे प्यारे भगतो बादाम है की बाछल आज बना भगतो पछाड़ बानी आंदा गोरख नाथ
बड़े बड़े।